हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। माय नेम इज प्रिंस। आज देखने वाले हैं किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम काम करती है ई कॉमर्स के अंदर। तो चलिए देखते हैं। तो आज की वीडियो में देखने वाले हैं कि इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम क्या होता है, किस तरीके से ई कॉमर्स में एक इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम काम करता है। तो चलिए देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम के अंदर कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कैश हो गया, इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट हो गया, स्मार्ट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, चेंज कार्ड हो गया, वगैरह वगैरह। इस तरीके से क्या और भी सिस्टम्स होते हैं पेमेंट के, गेटवेज होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कैश यानी ई कैश जिसको बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट यानी ई वॉलेट जिसको बोलते हैं, स्मार्ट कार्ड के जो जिसको हमें कोई भी चिप इंटीग्रेटेड कार्ड होता है, लाइक डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड, इसी के अंदर इंक्लूड होता है सारा। ये होता है जो इलेक्ट्रॉनिक कैश जो होता है, ई कैश जो होता है, ये डिजिटल बेस्ड ट्रांसफ़र पेमेंट करता है, मतलब डिजिटल बेस्ड होता है ये। और ये पेमेंट ट्रांसफ़र करता है, ये पेमेंट ट्रांसफ़र करता है और ये किसका यूज़ करता है, इंटरनेट का यूज़ करता है सिक्योरली। और ये सिक्योरली किसी भी पेमेंट को एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है। इसका जो डायग्राम है, ये किस तरीके से वर्क करता है, इसके बारे में बताया गया है। जो इश्यूअर होता है, जो कि जिसको हम बोलते हैं बैंक, ये जो बैंक होता है ये ही इनको प्रोवाइड करता है। इश्यूअर जो इसको ही बोलते हैं बैंक। बैंक क्या करता है, जो कस्टमर उसका होता है वो डिमांड करता है बैंक से कि आप मुझे ई कैश मतलब पैसे दीजिए। और उसको ये क्या करता है, ऑथोराइज्ड अथॉरिटी के थ्रू कस्टमर जो उससे पैसे लेता है वही फिर क्या करता है, किसी ट्रेडर को यानी किसी को बेचने के लिए, किसी को पेमेंट करने के लिए उसको वो पैसा देता है। और फिर क्या करता है, ये जब ये जो ट्रेडर होता है जो यहाँ से रिसीव करती है अथॉरिटी के थ्रू, बैंक के थ्रू, यहाँ पर ट्रेडर को, इस पर ट्रेडर को बैंक के थ्रू यहाँ पर पैसा पहुँच जाता है। तो ये तो इसकी होगी किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कैश काम करता है। जो इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट होता है ये क्या होता है, ये भी एक तरीके का ई कार्ड ही होता है, जैसे कि कोई भी ऑनलाइन यूज़ कर, जैसे पेटीएम हो गया, फ़ोनपे हो गया, जो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट ही हैं जिसमें हमारे पैसे रिजर्व होते हैं। जिस तरीके से हम उसको क्या करते हैं, हम उस वॉलेट के थ्रू हम पेमेंट करते हैं। यहाँ पर कोई बैंक वगैरह रिलेटेड नहीं होता, इसमें हम डायरेक्ट बैंक से नहीं करते, यहाँ पर वॉलेट के थ्रू करते हैं। जैसे हमारे पास भी जेब वॉलेट होता है उसी तरीके से, ठीक है। तो बट यहाँ पर क्या, ये ई वॉलेट है, वो क्या हमारा जनरल वॉलेट होता है। तो ई वॉलेट क्या करता है, जो मेक पेमेंट करता है, ये ऑनलाइन किसके लिए कर सकते हैं हम, या तो शॉपिंग के लिए कर सकते हैं, या फिर किसी भी चीज़ के कर सकते हैं, टिकट बुकिंग के लिए कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी जगह पर मतलब कोई भी किसी भी टाइप की कोई भी शॉपिंग वगैरह कर रहे हो, किसी की भी पेमेंट कर रहे हो, किसी की भी कुछ खरीदारी कर रहे हो, तो हम इससे आराम से इजी तरीके से ई वॉलेट्स के थ्रू पैसे पेमेंट कर सकते हैं। और जो इसके अंदर बेसिकली दो कंपोनेंट आते हैं, एक होता है सॉफ्टवेयर कंपोनेंट होता है, जो कि क्या करता है, हमारी जो स्टोर हमारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है कि हमारा नेम क्या है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्या है, हम कहाँ रहते हैं, कहाँ से पेमेंट कर रहे हैं, किधर कितने रुपए हैं हमारे पास, क्या वगैरह वगैरह, इसकी इन्फॉर्मेशन रखता है। और ये क्या करता है, जो हम कोई भी इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट से पैसा भेजते हैं तो उसकी क्या करता है, ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है कि बीच में कोई हैकिंग वगैरह अटैक परफॉर्म ना हो जाए, तो उस तरीके से ये सिक्योरली उस पेमेंट को ट्रांसफ़र कर देता है किसी भी सामने वाले शॉपिंग कस्टमर को, ठीक है, जो कि वहाँ पर रिटेलर पर होता है। और स्मार्ट कार्ड के अंदर क्या आता है, जो इसमें चिप इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, जो कि हम आपने देखा होगा कोई भी एटीएम कार्ड के अंदर, एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड होता है उसके अंदर यहाँ पर एक चिप लगी होती है, ठीक है, या फिर पीछे एक स्ट्रिप होती है, इसी के अंदर क्या होता है, हमारा डेटा स्टोर होता है, इसी के अंदर डेटा होता है। जैसे हम कहीं पर भी स्वाइप करते हैं तो वहाँ से हमारा पैसा कट जाता है बैंक के, वहाँ वो होता है बैंक के थ्रू कटता है पैसा, ठीक है। तो ये फिजिकली इलेक्ट्रॉनिक ऑथराइज्ड होता है, मतलब ये आप इसकी कहीं पर जाकर ही इसको यहाँ से पेमेंट कर सकते हो। और जो इसमें और इन दोनों के केस में क्या होता है कि हम ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू पेमेंट करते हैं। और इसमें क्या है कि हमें वहाँ पर किसी भी कार्ड वाले के पास जाकर वहाँ पर कार्ड स्वाइप करना पड़ता है, या फिर कार्ड की डिटेल डालकर वहाँ से पेमेंट करनी पड़ती है, ठीक है। और ये जो प्लास्टिक टाइप वेस होता है और इसी के अंदर जो चिप होती है, इसी में हमारा सारा डेटा स्टोर होता है, ठीक है। अब इसमें एक और, इसी में एक और स्मार्ट कार्ड के अंदर एक और चीज़ आती है जिसको हम बोलते हैं क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड ये क्या होता है, स्पेशली क्या होता है, ये क्रेडिट कार्ड उनके लिए होता है जो मतलब डेली पेमेंट नहीं करना चाहते, मतलब जिनके लिए लिमिट एक्सटेंड हो जाए अप टू में जितने भी मतलब बैंक प्रोवाइड करे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि एक ये भी एक इसी की तरह कार्ड होता है जो कि कस्टमर को प्रोवाइड करता है विद द इंटरेस्ट चार्ज, मतलब ये इसमें क्या करता है, ये चार्जेस काटता है कि जो भी आप जितने भी कार्ड, इसमें कार्ड लिमिट होती है कि आप कितना पेमेंट कर रहे हो, ये भी इसी की तरह होता है, बट इसमें लिमिट दे दी जाती है कि आप यहाँ से यहाँ इतने पैसे को आप निकाल सकते हैं इतने विद इन अ मंथ या विद इन अ ईयर जो भी होता है। तो और उसके लिए यहाँ पर टैक्सेस लिए जाते हैं। तो ये हो गया क्रेडिट कार्ड। अब एक और होता है इसके अंदर चेंज कार्ड। ये क्या होता है, बेसिकली ये क्रेडिट कार्ड की तरह ही होता है,
बट इसमें क्या होता है कि कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता, कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता। इसमें भी लिमिट एक्स्ट्रा प्रोवाइड करी जाती है, तो ये भी उसी की तरह सिमिलर है, ये भी एक कार्ड की तरह ही होता है। इसे भी फिजिकली जाकर इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से पेमेंट करनी होती है। इसके अंदर जैसे कि अब एग्जांपल हो गया एक्सप्रेस वे का जो कार्ड आता है जो फॉरेन में चलता है, तो इसी तरीके से ये कार्ड वगैरह यूज़ करे जाते हैं। तो ये जितने भी पेमेंट मोड होगा ये सारे के सारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मीडियम हो गए। मीन्स इसी के अंदर ये क्या इलेक्ट्रॉनिक कैश के अंदर ये, और इसके अंदर ये आप UPI को भी आजकल इंक्लूड कर जाता है, जो कि NCPI के अकॉर्डिंग ये यहाँ पर पेमेंट करी जाती है, तो ये काफ़ी सिक्योर माना जाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी किस तरीके से हम मतलब इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम को किस तरीके से मतलब हैंडल करते हैं, किस तरीके से पेमेंट होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।